गुड आफ्टरनून डियर क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज सेक्शन ए कम्प्रीहेंशन। वी हैड डन ए वन इन प्रीवियस क्लास एंड टुडे आई विल डू सॉल्व ए टू एंड बी सेक्शन बी ऑल्सो। सी व्हाट इज सेइंग इन ए टू। Choose the most suitable answer. 1. And why are the words then and now written in capital letter? क्या कहा जा रहा है कि then and now को capital letter में क्यों लिखा गया है? इसमें से suitable आपको answer चुनना है। तो मेरे हिसाब से जो suitable answer होगा, to show connection between the past and the future, तीन ऑप्शन हैं। because these words are adverbs, b to show connection between the past and the future, c to emphasize the very large difference between the periods of time being discussed। इसमें मेरे हिसाब से to show connection between the past and the future होगा। उसके बाद टू में देखिए, टू में है व्हाई डिड डज द नरेटर रेफर टू द गैलेक्सीज बीइंग हर्ल्ड एंड हर्टलेड। व्हाई डज द नरेटर रेफर टू द गैलेक्सीज बीइंग हर्ल्ड एंड हर्टलेड। इसमें तीन ऑप्शन हैं। इट शोज हाउ द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज मूव इन द यूनिवर्स। बी द एक्सप्रेसेस हिज बिलीव डैट द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड आफ्टर ए ह्यूज वायलेंट एक्सप्लोजन। सी इट शोज द मैनर इन विच द क्रिएचर्स वेयर पुश्ड अराउंड ऑन अर्थ। तो इसमें मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन सही है, मोर सुइटेबल है। इट एक्सप्रेसेस हिज बिलीव डैट द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड After a huge violent explosion. C है, third है, the family tree mentioned in the third stanza refer to A, the tree on which the monkeys could be seen swinging, B, the tree which had the name of human written on it, C, the evolutionary steps that show how humans developed from monkeys and apes. तो मुझे ये सी ऑप्शन सही लग रहा है। द फैमिली ट्री mentioned इन द थर्ड स्टैंजा रेफर टू सी द इवोल्यूशनरी स्टेप्स डैट शो हाउ ह्यूमन डेवलप्ड फ्रॉम मंकीज एंड एप्स। थर्ड फोर्थ है, द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन्स इज डिस्क्राइब्ड एज हेवी वे बिकॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग बिकॉज ए है इट इज़ द सीट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन आर कंसिडर टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, बी इट इज़ वेरी हेवी टू होल्ड, सी इट इज़ लाइटर देन द ब्रेन ऑफ एन ऐप। तो इसमें हमें ये ए ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। इट इज़ द सीट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द ह्यूमन्स आर कंसिडर टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। उसके बाद फिफ्थ है, वन ऑफ द रिडल डैट पजल द स्पीकर इज। एक रिडल है जो स्पीकर पूछता है, वाई डायनासोर लिव्ड बिफोर ह्यूमन्स, हाउ ह्यूमन्स गॉट ए हेवी वे ब्रेन, वाई वाटर टर्न्स इनटू आइस इन ए लो टेम्परेचर। तो ये सी ऑप्शन मोर सुइटेबल लग रहा है, तो इस सी को लिखेंगे। अब बी को देखिए, साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन है। Read aloud the following words. Notice the sounds made by the letters in red. ये वर्ड को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और इसको जो रेड से किया हुआ है, जो लेटर रेड मार्क किया हुआ है,
उस पे आप उसके साउंड पे ध्यान देना है। देखिए क्या है ये, हाउ, नाउ, फाउंड, काउ, घोस्ट, नो, ग्रो, रोड। अब यहाँ आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है एड फाइव मोर वर्ड्स टू द लिस्ट बिलो, तो हम इसमें लिख सकते हैं शाउट में डाउट, अबाउट, ड्रॉट, ब्लैकआउट और ब्रेकआउट। बोट में हम लिख सकते हैं कोट, फ्लोट, गोट, थ्रोट, वोट। उसके बाद सी है एप्रिसिएशन। एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स वन आफ्टर द अदर। फॉर एग्जाम्पल इन द लाइन वाई डिड द डायनासोर डायनेस्टी डाई, द साउंड डी इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ फोर वर्ड्स। मोर एग्जाम्पल मिकी माउस, डोनाल्ड डक, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि एक साउंड का एक ही लेटर अगर शुरू में आता हो किसी वर्ड के, तो उस तरह के वर्ड को हम एलिट्रेशन कहते हैं। और उसकी बेस पे आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। टिक द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन एंड क्रॉस द अदर्स। वन है, क्या कह रहा है, एलिट्रेशन है, उसे हमें टिक करना है और जो अदर है उसे हमें क्रॉस कर देना है। तो जंप फॉर जॉय, इसमें जे यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो ये आपका क्या हुआ, एलिट्रेशन हो गया, तो इसे हम टिक कर देंगे। टू में देखिए इट्स हिज ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड भी है, बटर भी है, दोनों, तो क्या हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया। थ्री है द वुड आर लवली डार्क एंड डीप, इसमें डार्क एंड डीप क्या है, ये एलिट्रेशन है, इसे भी हम टिक करेंगे। फोर्थ है लाइक ए डायमंड इन द स्काई, इसमें कहीं एलिट्रेशन नहीं है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ है आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, इसमें भी कहीं एलिट्रेशन नहीं है, मतलब एक साउंड जैसा वर्ड, एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड का रिपीटेशन नहीं है, तो ये भी क्या हुआ है, अदर है, तो इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। तो हम लोगों ने आज लेसन एट का एक्सरसाइज का ए टू बी और सी, इन सबको हमने कंप्लीट किया, और आपका ये सेक्शन, ये लेसन भी कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज को जो हम लोगों ने किया है। देखिए ए टू में वन बी वन, ए टू के वन में बी को हम टिक करेंगे, ये मोर सुइटेबल लग रहा है। टू में बी को टिक करेंगे, ये मोर सुइटेबल लग रहा है। थ्री में टू में बी को से करेंगे, थ्री में सी को टिक करेंगे, ये मोर सुइटेबल लग रहा है। फोर में डी को, ए को करेंगे, फिफ्थ में सी को करेंगे। साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन बी में शाउट का सेम साउंड वर्ड होगा, डाउट संदेह, अबाउट बारे में, ड्राउट सूखा, ब्लैक आउट तातील वाला दिन, ब्रेक आउट टूट जाना। उसके बाद बोट कोट फ्लोट, कोट जानते ही हैं, फ्लोट तैरना, बोट बकरी, ठोट गला और वोट मत। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। उसके बाद एलिट्रेशन था, एलिट्रेशन में आपको फर्स्ट जो है, एलिट्रेशन का सी का फर्स्ट
उसी का फर्स्ट को हम टिक करेंगे, सेकंड को भी हम टिक करेंगे, थर्ड को भी हम टिक करेंगे, फोर्थ को हम क्रॉस करेंगे और फिफ्थ को हम क्रॉस करेंगे। तो आज हम यहीं क्लास स्टॉप करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बातें समझ में आई होगी और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे बेहतर से पढ़ेंगे, मैं आज अपना क्लास स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।